Last in lecture we done about the negative exponent 5 raised to power minus 3. You know, we did this is equal to 5 raised to power 3. We can change this negative power to positive. How? Numerator mein 1 upon denominator 5 raised to power 3. जो नेगेटिव पावर है हम पॉजिटिव पावर में चेंज कर सकते हैं. नेगेटिव पावर नहीं सॉल्व होगी, पहले इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे. लास्ट टाइम हमने यही सीखा था. और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था लास्ट टाइम जो हमने किया था, बेस जो कोई भी हो बट अगर हमारे पास पावर जीरो है तो डेट इक्वल टू वन आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो. टू बेस है बट पावर क्या है, जीरो, फिर भी वन आएगा. थ्री बेस है, पावर जीरो है, फिर भी वन आएगा. माइनस टू है बट पावर जीरो है, वो भी वन आएगा. ये लास्ट टाइम हमने किया था. ये नेक्स्ट करते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. So today we discuss about law of exponents, laws of exponent. So first law we have, if base is same, ठीक है ना. इन जनरल एक्ट वही बेस ए बेस लेके चलते हैं हम. जनरल में बेस सेम है बट उसकी पावर क्या है, डिफरेंट है. हमारे पास ए हमने बेस सेम रखा है, इसकी पावर एम है, ए रेज टू पावर एन है. बेस सेम है और बेस अगर मल्टीप्लाई में है तो हम सिंपल पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं. ये सिंपल लॉ है. फर्स्ट बेस सेम है बट बेस का किस में मल्टीप्लाई में है तो इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी, एड अप हो जाएगी. एग्जांपल कर लेते हैं. पॉजिटिव पावर में तो आपने किया है सिंपल है, फॉर एग्जांपल 2 रेज टू पावर 3 2 रेज टू पावर 2. इसमें क्या है, बेस क्या है 2, दैट इज सेम, बेस इज ऑल्सो इन मल्टीप्लाई तो वही एड द पावर 3 प्लस 2 2 रेज टू पावर 5. तो यहाँ पे बेस सेम सेम था, बेस है भी मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगी, एड अप हो जाएगी, दैट 2 रेज टू पावर 5 आ जाएगा. अगर ये नेगेटिव पावर में करें हम, सपोज 2 रेज टू पावर -3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर -2. हमने लास्ट में यही किया था ना, नेगेटिव पावर भी है हमारे पास, नेगेटिव एक्सपोनेंट भी हो सकता है. बेस तो 2 है, सेम है जो, बट पावर क्या है किसमें है, नेगेटिव है, माइनस में है, तो सेम है रूल. तो लास्ट तो ये अप्लाई होगा कि अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी. बेस हमारे पास 2 है, 2 आएगा. पावर क्या है, -3. सेकंड पावर क्या है, -2. बेस सेम है जो, तो दोनों पावर है -3 एंड -2 क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी. दो साइन इकट्ठे नहीं आ सकते मैथ में तो वी यूज ब्रैकेट. ओके, बेस सेम था, नेगेटिव पावर है, -3 है -2 है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सिंपल वही ला लगेगा, अप्लाई तो वो सेम होगा, बेस सेम है तो पावर्स ऐड अप होगी आपके पास. तो सिंपल इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, यहाँ पे 2 साइंस है इकट्ठे हैं, मेक दैम 1, प्लस माइनस -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा सिंपल एज इट इज. अगेन देन -+ 3 प्लस 2 5, 3 इज बिगर देन 2, 3 के आगे नेगेटिव साइन है तो -5 आ जाएगा, 2 रेज टू पावर -5. एक तो ये मेथड कर सकते हो आप. सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड है 2 रेज टू पावर -3 2 रेज टू पावर -2. ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड वे कर रहे हैं, जो भी इजी लगेगा वो आप कर सकते हैं. ऐसे सिंपल इसको कैसे करेंगे हम, वही है हमारा जो नेगेटिव पावर है, नेगेटिव आप पॉजिटिव में चेंज कर लो. हमने फिर मैं रिमेंबर कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे चेंज होंगे. सपोज 2 रेज टू पावर -3 है नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव में कैसे चेंज होगी, 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 3 के इक्वल टू आ जाएगा. ये हमने किया हुआ है लास्ट लेक्चर में कैसे आया, सेम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे. नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव में चेंज कर लो, पॉजिटिव में चेंज होकर क्या आएगा, 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 3
मल्टीप्लाई साइन 2 रेज टू पावर माइनस टू है, ये पॉजिटिव पावर में चेंज होकर क्या बनेगा 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 2, जो दोनों नेगेटिव पावर थी उनको मैंने पॉजिटिव में चेंज कर लिया है। सिंपल है, न्यूमिनेटर 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1 1, डिनोमिनेटर सिंपल 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 2। अगेन वही आ गया आपके पास, बेस क्या है, सेम है, बेस सेम ही किसमें, मल्टीप्लिकेशन में है, तो फर्स्ट ला यहाँ पे अप्लाई होगा, जो पावर्स हैं एड अप हो जाएंगे 3 प्लस 2 5, सेम आंसर ही आएगा। इसको भी अगर हम नेक्स्ट करें तो ये इसके इक्वल टू आएगा, पावर को चेंज करेंगे पॉजिटिव में। तो ये वे है आपका फर्स्ट वे, सेम आंसर ही आएगा 1 अपॉन 2 रेज टू ओवर 5। ये सेकंड मेथड है, इसमें भी वही पे पहुंचोगे 1 अपॉन 2 रेज टू ओवर 5, जो दोनों में इजी है, यू कैन अप्लाई दैट सिंपल। सेकेंड ला करते हैं हमारा, सेकेंड ला के अगर बेस सेम है, अगेन ए बेस लेट कर रहे हैं, उसकी पावर एम है, सेकेंड बेस है ए, सेम बेस है ए, पावर क्या है एन, बेस सेम है पावर अगर वो डिवीजन में है, बट जैसे यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, सपोज आपके पास वही है, बेस तो सेम है बट अभी बेस किस में है, डिवीजन में है, तो सिंपल क्या हो गया, वो पावर माइनस हो जाएगी। फर्स्ट हमारा ला क्या था, अगर बेस सेम थे मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स ऐड अप हो रही थी, यहाँ पे बेस सेम है बट हो अगर किसमें डिवाइड में हो तो जो पावर्स हैं सिंपल सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। अगेन अगर नेगेटिव पावर में करें, सेम अगेन वही एग्जांपल ले चलते हैं, 2 रेज टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड 2 रेज टू पावर माइनस 2, यहाँ पे बेस क्या है, सेम है बट है किसमें, डिवीजन में है बेस, तो पावर्स की है सिंपल सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, पावर क्या है माइनस 3 माइनस 2, बेस सेम है मतलब डिवीजन में है, तो पावर हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दो इकट्ठे नहीं आ सकते, यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगी। फिर इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे, दो नेगेटिव साइन इकट्ठे हैं यहाँ पे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस 3 प्लस 2 बन जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस 3 माइनस 2 1, 3 और 2 में से 3 बड़ा है, आगे क्या है नेगेटिव साइन, तो 2 रेज टू पावर माइनस 1 आ जाएगा। अगर इसको पॉजिटिव में चेंज करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड रूल अप्लाई हुआ है, अगर बेस सेम है मतलब बेस डिवाइड में हो तो पावर क्या हो सकती है, सब्ट्रैक्शन कर देनी है, अगर बेस सेम है बट वो मल्टीप्लिकेशन में है तो सिंपल पावर्स क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे। इसको भी आप सेकंड मेथड से कैसे कर सकते हो, जो हमने किया है यहाँ पे, यही है ना डिवीजन है, नेगेटिव पावर है, सिंपल ये मीनिंग है दोनों पावर डिवीजन में है, 2 रेज टू पावर माइनस 3, 2 रेज टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर माइनस 2, पावर्स क्या है नेगेटिव में है, अगर नहीं कर सकते इसको पॉजिटिव में चेंज कर लेंगे पावर, देन वी कैन अप्लाई दिस रूल, एज इट इज ये फिर यही है। अगर आपके पास नेगेटिव पावर है उसको कैसे चेंज कर सकते हो, 2 रेज टू माइनस 3 किसके इक्वल टू होगी, आएगी 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 3, ऐसी चेंज होगा, न्यूमिनेटर में क्या है 2 रेज टू पावर माइनस 3, तो ये क्या चेंज हो जाएगा कैसे, ऐसी चेंज हो जाएगा, 2 रेज टू पावर माइनस 3 है, माइनस 2 है, 2 रेज टू पावर माइनस 2 किस में चेंज होगा, 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 2 में, ऐसी है आपके पास है, 2 रेज टू पावर माइनस 3 था वो पॉजिटिव में चेंज हो गया, डिवीजन 2 रेज टू पावर माइनस 2 था वो किसके इक्वल टू आएगा, 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 2, चेंज किया है सिंपल, नथिंग कुछ नहीं किया, न्यूमिनेटर में ये था 2 रेज टू पावर माइनस 3, उसको हमने चेंज कर लिया पॉजिटिव में, डिवाइडेड बाय क्या था 2 रेज टू पावर माइनस 2, उसको हम क्या राइट कर सकते हैं पॉजिटिव में, ये इसको सिंपल कैसे सॉल्व करोगे, न्यूमिनेटर तो एज इट इज, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऐसे ही चेंज होता है ना, न्यूमिनेटर तो एज इट इज रहेगा, जो आपके पास डिनोमिनेटर है टोटल 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 2 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और इसके साथ क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अभी सिंपल हमारे पास ये क्या बना 1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 2 है,
वो तो 2 raised to power 2 आ जाएगा। 2 raised to power 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल ये आ जाएगा। बेस सेम है, अब ये पॉजिटिव पावर में चेंज कर दिया, यहाँ पे दोनों नेगेटिव पावर थी, सिंपल हमें पॉजिटिव में चेंज कर दिया। कैसे करेंगे, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, 2 minus 3। तो 2 minus 3 करोगे क्या आएगा, 2 minus 1, वो किसके इक्वल हो जाएगा। तो दो मेथड हैं जो इजी लगे इसमें वो ट्राई कर सकते हो, सिंपल ये रखना है, अगर बेस सेम है डिवीजन में है तो पावर क्या कर देनी है, सिंपल सब्ट्रैक्शन कर देनी है। अगर ऐसे डिफिकल्ट लगे तो इसको पहले नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर लेना, देन वी कैन अप्लाई द सेकंड। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड रूल है जो नेक्स्ट है, थर्ड रूल है, बेस तो डिफरेंट हो बट अब पावर सेम आ जाए। बेस तो यहाँ पे एक बेस है, बी बेस है, बेस डिफरेंट है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है बट पावर सेम है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, बेस हैं जो दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, उनकी पावर जो सेम थी वो एज इट इज ही रह जाएगी। अगर एग्जांपल करें, सपोज 2 raised to power 3, 3 raised to power 3, यहाँ पे बेस तो डिफरेंट है बट पावर क्या है, सेम है, तो बाय रूल क्या होगा, सिंपल जो दोनों बेस है 2 and 3, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, जो दोनों पावर सेम है वो सेम एज इट इज आएगी 3, तो ये क्या बनेगा, 2 multiply 3, 6 raised to power 3 आंसर आ जाएगा। तो ये नेगेटिव पावर में भी ठीक है, -2 -3 -2 कर लो, बेस है -2, बेस है -3, डिफरेंट है दोनों मल्टीप्लिकेशन में बट पावर क्या है, सेम है, -2 -2, तो सिंपल रूल क्या कहता है, जो हमारे पास बेस है वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएंगे, -2 multiply -3, जो बेस पावर है -2 सेम रह जाएगी, सिंपल -2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 raised to power -2 आंसर आ जाएगा, और ये पॉजिटिव में स्किप करो। तो ये हमारा थर्ड रूल। नेक्स्ट लास्ट रूल करते हैं, फोर्थ रूल, फोर्थ रूल है हमारा पावर की पावर। सपोज आपके पास ए रेज टू पावर एम है, कोई बेस ए है, पावर एम है, और उसकी भी क्या आ जाए, पावर आ जाए एम। हमारे पास बेस ए है, उसकी पावर एम है, होल की पावर आ जाए एन, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल जो पावर पावर है इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दें। अगर एग्जांपल करें, 4 ऐसे कर लो, बेस क्या है -4, उसकी पावर क्या है 2, होल की पावर क्या है 3, दोनों जो पावर है ना 2 भी पावर है इसकी, देन अगेन होल की पावर 3 है, सिंपल दोनों पावर्स को क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बेस हमारा -4 ही आएगा, जो पावर्स हैं 2 and 3 वो मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, तो क्या आंसर आ जाएगा, -4 raised to power 6 आ जाएगा। अगर आपके पास क्या हो, पावर बेस है, उसकी पावर है सारे की, होल की सारी पावर हो, तो सिंपल पावर्स को पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगी। एक लास्ट है वो तो हमने कर ही लिया है, जो बेस कोई भी हो, पावर 0 हो, तो 1 के इक्वल टू ही आएगा।